हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारा चैनल टेक्निकल ब्राइटनेस में। दोस्तों, फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे शुरू हो गया है 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, और ऐसे में जियो फोन नेक्स्ट भी लॉन्च होने वाला है और बहुत ही सस्ते में मिलने वाला है। गाइस, अगर आप सोच रहा होगा कि जियो फोन नेक्स्ट हमें लेना चाहिए या नहीं, जियो फोन नेक्स्ट अच्छा है या बुरा है, तरह तरह का सवाल मन में आ रहा होगा, तो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाला है सारा सवालों का जवाब। गाइस, अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको बता दूँ, जियो फोन नेक्स्ट एक नॉर्मल स्मार्टफोन है जो कि गूगल और जियो ने मिलकर डेवलप की गई है, और ये स्मार्टफोन एक नॉर्मल यूज़र के लिए है जिसको यूट्यूब वगैरह या मूवीज वगैरह देखने का शौक़ हो, तो उनके लिए ये फ़ोन बेटर है। बात करते हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की, तो इस फ़ोन के अंदर ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब आप यहाँ पर 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। साथ ही ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड V11 पर भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको 5.5 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बेजललेस डिस्प्ले है, और यहाँ पर डिस्प्ले के लिए कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इस फोन की कैमरा की, तो इस फोन के अंदर सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 13MP मेन कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक नॉर्मल चिपसेट है। यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग भी आसानी से खेल सकते हैं, लेकिन पबजी और फ्री फायर जैसा गेम इसमें नहीं खेल सकते। इतना नहीं, इस फोन के अंदर आपको 2500 mAh की बैटरी, साथ ही 2GB रैम और 16GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा मेमोरी भी लगा सकते हैं 128GB तक। बात करते हैं इस फोन की नेटवर्क और कनेक्टिविटी की, तो इस फोन के अंदर 4G नेटवर्क देखने को मिल जाएगा, और साथ ही USB 2.0 चार्जिंग कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जहाँ तक मुझे मालूम है, इसका मार्केट प्राइस रेट 3,499 रुपया होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।